देखिए 20 मई को हाजीपुर में वोटिंग है, ये हॉट सीट है। चिराग पासवान एनडीए के प्रत्याशी हैं, जमकर चिराग कैंपेन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी आए हुए हैं, उनके कैंपेन में ये लोग भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हम सीधा सम्राट जी से बात करेंगे। हाजीपुर में वोटिंग है सर, चिराग जी के साथ आप भी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, चिराग जी जीते उसके लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, रामविलास जी यहाँ से 8 बार सांसद रहे, क्या माहौल है? देखिए यहाँ रिकॉर्ड वोटों से चिराग जी चुनाव जीतेंगे और जिस तरह का माहौल आपको दिख रहा हो, पूरे बिहार में लगभग 400 सीट पर बड़े बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव, और चिराग पासवान भी यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का काम। तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के गलत नीतियों के कारण 25 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, वो लोग ओवर एज्ड हो गए, तो पीएम को अब खुद मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। देखिए पहले तो उनको अपने पिताजी का हिसाब देना चाहिए था, 15 साल तक बिहार में उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, बिहार के पूरे नौजवानों का जीवन खराब कर दिया, पूरा बिहार खराब कर दिया। मोदी जी ने तो बिहार और देश को विकास की ओर ले जाया गया, आर्थिक रूप से जहां 12वें स्थान पर थे 5वें स्थान पर लाने का काम, भारत को श्रेष्ठ बनाया है। मोदी जी तो लगातार 74 वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारा कोई 34 वर्ष का उम्र तो वाला नौजवान तो बीमार हो गया। आप हर दिन 3-4 जिलों में जाके कैंपेन कर रहे हैं, पूरा कमान संभाले हुए हैं बीजेपी का, बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए की क्या स्थिति लग रही है सर? पूरी तरह 400 सीट हम इस बार जीतेंगे और पूरी तरह आप समझ लीजिए कि बिहार में जो स्थिति है 40 की 40 सीट हम जीतने का काम करें। अच्छा, एनडीए के तमाम नेता पीएम मोदी के नामांकन में थे, बनारस नीतीश नहीं गए, तबीयत खराब है उनका, उस दिन का हर कार्यक्रम रद्द हुआ, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको चाचा का आशीर्वाद प्राप्त है, सो उन्हीं के कहने पे तो हम काम कर रहे हैं, चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे, सो हम उसी मिशन में लगे हुए हैं। क्या एनडीए में दरार पैदा करना चाहिए? देखिए बेचारे अब कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, चाचा ने फिर छोड़ दिया ना उनको, अब उनको लगता है कि हम भ्रम फैलाने का काम करेंगे। नीतीश जी बिहार का विकास करने वाले नेता रहे, श्री बाबू के बाद वही मुख्यमंत्री हैं जिसने काम किया, इसलिए तेजस्वी के कहने से कुछ बिहार में नहीं होगा। लालू जी के पास कुछ वोट बचे हैं, वो भी इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम कहे हैं कि रायबरेली से सिर्फ आप लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे, राहुल लड़ रहे हैं वहां से, सो आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद यहां से प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का खाता नहीं खुल रहा हो, दो दो सीट पर जाके चोरी छुपे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे सीट पर लड़ने गए जहाँ पापा मम्मी फिर उनकी दादी सब चुनाव लड़ी, तो परंपरागत सीट पर गए, खानदानी सीट पर गए, इतना डर पैदा हो गया। ओवैसी लगातार पीएम पे हमलावर, ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा, और आप पीएम कह रहे हैं कि मैंने तो कभी मुस्लिमों पे टिप्पणी नहीं की। ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ पीएम कटघरे में नहीं है, वो मतदाता भी कटघरे में है जिन्होंने इन भाषणों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर वोट किया बीजेपी। घुसपैठी जो है, जो बांग्लादेश से आए पाकिस्तान से, उसको तो घुसपैठी कहेंगे, इसमें कहाँ दो मत। प्रधानमंत्री जी कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन ये जरूर बताने का काम हम करते हैं कि लालू प्रसाद जी या एनडी गठबंधन के लोग तुष्टिकरण का काम करते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हावी लग रहे हैं आपको बिहार में? सिर्फ विकास विकास विकास। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ हाजीपुर।